हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत जय माता दी बोल के और आपके प्यार के साथ। तो गाइस, मंदिर में पूजा हो चुकी है, भोग वगैरह हमने सब लगा दिया है। अब नाश्ता करते हैं और मंदिर जाने दुकान पे जाने की करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर में पूजा मैंने दिखा दी आपको, कर लिया है और अब थोड़ा सा पंगा हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं पनीर लेके आया था कल रात को, राज मंदिर से हम लेकर आए थे। काकू को मैं मना कर रहा था कि पनीर मत लो यहाँ से। काकू ने पैकेट वाला पनीर उठा लिया है। अब वो सुबह काट के देखा है सब्जी बनाने के लिए, तो वो खट्टा सा निकला है। अब उसको जा रहा हूँ एक्सचेंज करने के लिए, देखते हैं क्या आ गया। तो सुबह राज मंदिर और कल मैं पनीर लेके गया था, थोड़ी सी कंप्लेंट थी, वो भैया ने फटाफट रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो भाई साहब ने रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। पनीर थोड़ा सा खट्टा निकला अंदर से, शायद ठीक नहीं निकला। और अब बस भैया ने रिप्लेसमेंट कर दिया और मैं जा रहा हूँ। मैंने पैसे रिफ़ंड ले लिए हैं वापस और उन्होंने पनीर वापस ले लिया है। अब मैं जा रहा हूँ घर में, डेयरी से पनीर लेता हूँ। और वैसे ले ही लिया था, वैसे हमेशा अच्छा निकलता है, कई बार प्रोडक्ट ठीक निकलता नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और फटाफट चेंज कर दिया है। और लेते हैं पनीर और फिर घर चलते हैं। चेंज करा के ले आया हूँ, पनीर भी ले आया हूँ और सार्थक के लिए टोफू लाना था, टोफू भी लेकर आ गया हूँ क्योंकि वो टोफू खाता है। और बस अब नाश्ता वाश्ता करते हैं और दुकान में जाने की करते हैं तैयारी। सब्जी दोपहर को आके बनाएंगे, कढ़ाई पनीर बनाने हैं। तो अगर बनेगा तो मैं देखता हूँ, आपको साथ साथ बता भी दूंगा मैं कैसे कढ़ाई पनीर बनाता हूँ। और बस नाश्ता वाश्ता करते हुए चलते हैं शॉप पे। नाश्ता वगैरह कर लिया और चलते हैं अब दुकान पे जाने की करते हैं तैयारी। जाकर दुकान पे करते हैं काम और दोपहर को मंदिर जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। अपॉइंटमेंट है मेरी तकरीबन 3 बजे की। अब दोपहर में मिलते हैं। मैं बना रहा हूँ कढ़ाई पनीर और मैंने रख दिया इसके अंदर रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल के अंदर अब इसमें डालेंगे हम बढ़िया से जो अदरक लहसुन भून के, इससे बढ़िया था रिफाइंड ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन अच्छी तरीके से भून गया। अब डालेंगे ओनियन को, मैंने ऐसे डाइस करके मैंने काट लिया था, कुछ डाइस वाले हैं कुछ छोटे हैं। ओनियन को रफली चॉप कर लिया था, ये देखो बस अभी मैंने रफली चॉप मैंने ओनियन को डाल दिया। इसको थोड़ा जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब शिमला मिर्च को काटेंगे और प्याज इसको भी कर लिया। और ये काकू के लिए रख रहा हूँ मैं मैगी। मैगी में निकली हैं ये दो मसाले सॉसेज निकली हैं, एक मसाले सॉसेज हैं और काकू की मैगी हमने रख दी बनने के लिए। प्याज हमारे बढ़िया से हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे, बिल्कुल पिंकिश हो गए हैं। और टमाटो की प्यूरी हमने कर लिया, टमाटो की प्यूरी जाएगी प्याज के अंदर। अब मैगी का निकला है मसाला और ये साथ काकू की हो गई है मैगी तैयार बिल्कुल। अब इसके अंदर ट्रांसफर लिए मैगी हो चुकी है तैयार। मसाले मैंने डाल दिए इसमें, चिली फ्लेक्स डाल दिया है, देगी मिर्च डाल दी है, हर्ब्स डाल दिए, काली मिर्च डाल दी है, चाट मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, टमाटो की प्यूरी प्याज और सारे मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं। और मैंने काट लिए हैं ये शिमला मिर्च और टमाटो क्यूब्स में काटनी है, अब वो जाएंगे इसमें। अब मैंने कर दिया है मिक्स इसको, अब थोड़े से मिक्स करके इसको फ्राई करना है। मिर्च जैसे हमें चाहिए थी वैसे हो रही है तैयार। टमाटर के क्यूब्स और शिमला मिर्च के क्यूब्स हमने इसमें डाल दिए थे। अब 2 चम्मच डालेंगे इसमें मलाई। मसाले में सारे डाल चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसमें डाला है पिज्जा पास्ता का मिक्स, हर्ब्स डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, चाट मसाला डाला है, देगी मिर्च डाली है, नमक डाला है। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई भी इसमें मसाला नहीं डाला। आप चाहे तो गरम मसाला वगैरह भी डाल सकते हो, मगर फ्लेवर थोड़ा सा अलग आएगा इसका, ठीक है। तो गाइस बस इसमें अब मलाई डालेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा भूनने देंगे, फिर मलाई ऊपर आ जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर डालेंगे लास्ट में। बना है मैगी आपकी, ठीक है। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, मम्मी और मैं। मिर्ची वाली है, स्पाइसी है, मुझे पता है शक्ल से लग रही थी। मम्मी और मैं जा रहे हैं, बाबू ध्यान रखिए तो, ठीक है ना। ओके। और मैं अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए हो गए तैयार, डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं। ये मैडम जी आ गए, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून गाइस। इनका गला भी खराब हो रखा है, मैं इसको भी चेक कराता हूँ डॉक्टर साहब। पहले अपना करवा लो, मैं बाद में। अच्छी बन गई है। डॉक्टर के पास आ गए थे, उन्होंने कहा थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयाँ भर के दे दी है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन की दवाइयाँ तो इतनी 5 दिन की दवाई है, नॉर्मल दवाई दी है, खांसी वगैरह गला जुकाम की है, बाकी ज्यादा सोच रहे थे भगवान की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, है महिंका किडनी वगैरह में कोई दिक्कत, किडनी वगैरह में कोई दिक्कत ही निकली, बस गले पहले ही बोल रही थी, गले में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन है, बस दवाई ले ली है। अब जा रहे हैं सब घर की ओर। तो गाइस बस आ गए थे अभी घर पे, ये आया है चीज़, आया है चीज़ और सामान आया है। सातक ने मंगाई थी चीज़, काकू का बोले चॉकलेट स्प्राइट, जो चॉकलेट क्या था, चॉकलेट सिरप, सिरप भूल गए, वहां से निकले थे हम यार।
अभी लेकर रख लूँगा। तो गाइस दो चम्मच फ्राई मैंने डाल दिए सब्जी के अंदर। अब इसको गाइस ये बढ़िया सा मसाला हो चुका है तैयार, शिमला मिर्च प्याज वगैरह का, और ये अब डालेंगे इसमें पनीर। तो गाइस पनीर मैंने डाल दिए हैं इसमें, अब बनेगी हल्की बढ़िया। गाइस पनीर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा डाल दिया था इसमें दूध, और इसको बॉयल होने देते हैं बढ़िया से तरीके से। मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर, बॉयल होने देते हैं, फिर हमारा बनेगा कढ़ाई पनीर बढ़िया। तो गाइस बढ़िया सा कलर आ गया है और हमारी सब्जी बनकर हो चुकी है तैयार। फाइनली कढ़ाई पनीर बन चुका है और मैंने कर दिया बंद इसको, बढ़िया सा हमारा कढ़ाई पनीर हो चुका है तैयार। जी जरा दे दो, हमारा डेट देख लिए पक्का दे दो, कैरेमल वाला ना, कैरेमल वाला, कैरेमल सिरप याद आ गया था काकू के लिए, कैरेमल सिरप लेना था, मैंने कैरेमल सिरप भी ले लिया, नहीं तो घर जाके बहुत ज़्यादा चिल्लाता कि पापा कल कुछ है रौनक का। तो गाइस ये प्यारा सा बच्चा है, सारे जने इसको एक बार ही हैप्पी बर्थडे विश कर दो, बहुत ज्यादा भर भर के बिल्कुल आज ही होगा जब रात को, हाँ विश होएगा काकू, थोड़ा सा इधर आओ रौनक भैया को हैप्पी बर्थडे एडवांस में बोल, एडवांस में हैप्पी बर्थडे है ना, तभी तो रौनक सुंदर बन के बैठे हो देखो। रौनक क्या चाहिए गिफ्ट, गिफ्ट क्या चाहिए, बड़ी मम्मा का नहीं चाहिए तेरा स्पेशल, ये बैठता एक तरीके से बिल्कुल बड़े भैया की तरह, तेरी स्पेशल चीजें तेरी चाची ले आई है, तेरी स्पेशल चीजें जो तेरे को पसंद है वो ले आई है, हम कल शॉपिंग कर आए हैं तेरी, थैंक यू पार्टी 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 पक्का पार्टी। ये गाइस ये कप देखो, ये निक्की के पापा की यादगार है जो बिल्कुल संजो कर रखी हुई है इसने, इसी में चाय पीते है निक्की, मम्मी बार भी तो लाए थे, मम्मी बार तो डोलू लाए थे ना, तो फिर जब आशु बार गए थे तो कपल आए थे, इसकी मम्मी भी ये बड़े हैं, थोड़े छोटे लाए, सही है इसके अंदर पी जाती है आराम से चाय पी जाती है, हमारे छोटे हमारे छोटे हैं, एक पाव दूध आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो गाइस सारे जने रौनक को हैप्पी बर्थडे विश कर देना, बिल्कुल सुबह बिल्कुल बिल्कुल भर भर के कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे आने चाहिए, ठीक है, कल आ जाएगा। वैसे भी ये तो स्पेशली ब्लॉग बना जो नहीं करते उनके लिए कितने कितने मैसेज आते हैं। तो गाइस चिक्की 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 मिक्की भी इसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, चिक्की मिक्की चिक्की मिक्की के घर पे लेके गए थे ना इनको, तो वहां पे उड़ने के लिए छोड़ा हुआ था, उड़ रहे थे पर ना पिंजरे के आसपास ही उड़ रहे थे, ऊपर नहीं जा रहे थे, अंदर अच्छा जाने की कोशिश कर रहे थे वापस, सही है, नहीं कईयों को ना पता लग जाता है, अब वो जो उड़ नहीं रहे थे, जो अरमान जी ने डाले हुए हैं पिंजरे के अंदर वो भी दिखाते हैं, कोई करीब खोलते हैं ना तो अपने अपनी जगह पे वो घूमते हैं। तूने देखा है अयान के सिर के ऊपर, हाँ वो जो उनके नाम नहीं याद आ रहा पता नहीं, वो दो पैरेट हैं जो इंस्टाग्राम पे रील बनाई है आयान के सिर पे, यहाँ पे बैठे थे उसके बने हाथ नहीं, सर पे भी बैठे थे, सर पे भी बैठे थे, प्यार करने वाले हैं, सर पे भी बैठे थे, बहुत सुंदर है वो, बड़ा प्यार से बात करते हैं, बड़े प्यार से समझते हैं भाई, वो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है यार, जो मुर्गियाँ पूरा फॉर्म पहले मत्था टेक लो, बॉल खेल रहे हो तो भाई सारा मंदिर अभी खुला हुआ है। जी मैडम जी थोड़ा जल्दी आ जाओ, क्यों, क्योंकि कल मेरा पेपर है, कल मेरा पेपर है, अगर कैसा करके है? चलो पहले मत्था टेक, आजा इधर, क्या पेड़ है, पेड़ में कुछ काट लेगा कीड़ा, बॉल बॉल के साथ खेल ही जा रहे हैं ये, हाँ जी काकू आ जाओ, अब आ जाओ काकू, तिलक लेकर आओ, देवी क्या खोल रहे हो, ये मंगाई थी चीज स्लाइस और वो चीज स्प्रेड, ये तो भाई की है, मैं भी खा लूंगा, तू क्यों खाएगा, तेरे तो वो आ गया कैरेमल सिरप आया, पी अपना, मैं उसमें सैंडविच में लगा के खाना है, सैंडविच में लगा के खाना है अभी, कौन से वाले चीज स्प्रेड मंगाया है, एक गार्लिक वाली है, एक ये है गाइस ये मंगाया है अमूल का चीज स्प्रेड है, गार्लिक वाला है, और एक और कौन सा मंगाया है, ये परी परी वाला, पैरी पैरी वाला, ये सार्थक का फेवरेट है, पैरी पैरी जो एक एक ही चीज खोलियो, अब चीज स्लाइसेस भी है, हाँ, वो मैं खाता हूं, अपना कैरेमल सिरप खोल लिया तूने, हाँ वो दूध में डाल के पीता, पी लिया, हम्म, हाँ हाँ मैंने इसको बोला, गाइस एक ये मंगाया था पैरी पैरी वाला, ये पैरी पैरी वाला, ये मदर डेयरी का, ये अमूल का गार्लिक, और ये गो चीज मंगाए थे स्लाइसेस, ये सार्थक को पसंद है, ये रख दे, इसमें 28 स्लाइसेस, वो सार्थक ब्रेड लेके आते ना स्कूल में, वैसे जिम इसके अंदर प्रोटीन होता है, सार्थक प्रोटीन होते ना चीज के अंदर प्रोटीन होता है, वो भी बैठा हुआ है एग्जाम की तैयारी कर रहा है।
तो गाइस कुछ घरेलू उपाय भी जरूरी है दवाई के साथ साथ। डॉली और मैं ये पी रहे हैं जो शानदार सर्दी खांसी का इलाज सर्दियों के अंदर, ये मम्मी हमें दिया करती थी। इसके अंदर बहुत सारी मुलट्ठी आंवला रीठा पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये पीछे लिखा हुआ है गाइस, इसके हम दर्द वालों का ये बहुत बढ़िया होता है। ये इसको जब ये दो गिलास लो, इसको अच्छी तरीके से उबालते रहो जब तक एक गिलास नहीं रह जाएगा, और कम से कम आधा घंटा लगता है। इसको सिम गैस पे चला दो और दो ढाई गिलास लो, और कम से कम एक आधा गिलास रह जाएगा तब पीना है इसको। यानी कि दो गिलास लो और आधा गिलास रह जाएगा तब पीना है बिल्कुल। इसको काढ़ के अच्छे ढंग से जी शानदार रख दिया है भाई। अच्छा धन्यवाद, मैं जाने लगी थी, आपने रखी थी जब तक। देसी इलाज भी जरूरी है, मम्मी हमें यही दिया करती थी खांसी सर्दी जुकाम लगता था ना हमें, तो हमें कंटिन्यू दो तीन दिन पियोगे तो फर्क पड़ेगा। ये रख दिया एक बार पिया फिर नहीं भूल गए, वो ऐसे नहीं होता ना फिर। नहीं कंटिन्यू पी लेंगे सही रहेगा। हाँ तभी तो मैंने बोला था इतने दिन से लेगा शुगर है, अब ले आयो आप। हाँ खुद भी पियूंगी आपको भी पिलाती हूँ। और तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। तो गाइस प्लीज रौनक को हैप्पी बर्थडे जरूर बोलना, हैप्पी बर्थडे रौनक का। ठीक है, सब्सक्राइब करे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल है काकू एग्जाम, पढ़ाई कर रहा है, कर रही है, हो गया याद? हाँ जी है, अभी रात को सारा ही याद करिए लिखेगा। तो गाइस टाइम हो चुके तकरीबन 12 बजने वाले हैं अभी, और ये अभी पढ़ेगा कम से कम एक घंटा और पढ़ेगा आज। फिर पढ़ा है पर दोबारा से फिर कर रहा है कि ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, फिर बाय बाय गाइस, गुड नाइट।